मूवी की शुरुआत में हम इस फिल्म के मेन हीरो को देखते हैं। इसका नाम वर्जिल है और ये ट्रेन से सफर कर रहा होता है। फिर ये एक स्टेशन पर उतरता है जहाँ इसके सिवा कोई नहीं होता। फिर ये पैदल चलते हुए एक ग्रीन व्यू आउटपोस्ट नामक जगह पर पहुँच जाता है और एक आदमी से कहता है कि उससे किसी से मिलना है। क्या उसने किसी आदमी को देखा है जो उसे कंपाउंड नामक जगह पर ले जाने वाला था? लेकिन वो आदमी कुछ जवाब नहीं देता। फिर वो टॉयलेट के लिए पूछता है तो वो बताता है कि बैक साइड पर है। फिर वो टॉयलेट ढूंढता हुआ टॉयलेट के पास पहुंच जाता है। टॉयलेट में देखता है वहाँ बहुत ही गंदा होता है और उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, तो वो टॉयलेट में चला जाता है। फिर उसे गाड़ी की आवाज़ आती है और फिर एक आदमी टॉयलेट के डोर पर नॉक करके पूछता है क्या उसको कंपाउंड नामक जगह पर जाना है, और वो रिप्लाई करता है हाँ। फिर वो फ्रेश होकर उसके साथ निकल पड़ता है। एक्चुअली उसने एक कैब बुक की थी और ये उसी कैब का ड्राइवर होता है, लेकिन कुछ आगे निकलते ही ड्राइवर उससे ज़्यादा पैसों की डिमांड करता है, तो उनके बीच थोड़ी बहस हो जाती है, लेकिन वर्जिल उसे ज़्यादा पैसे देने के लिए तैयार हो जाता है। फिर वो ड्राइव करते हुए कुछ दूर निकल जाते हैं। फिर वर्जिल एसी ऑन करने जाता है, तभी केत उसे बोलता है कि एसी की वजह से इंजन पर लोड आ जाएगा और वो उस एसी को ऑन करने से रोक देता है। फिर वो लोग ड्राइव करते हुए बहुत दूर निकल आते हैं। फिर अचानक टायर पंचर हो जाता है। फिर वर्जिल स्टेपनी निकाल कर टायर चेंज करने लगता है। फिर वो देखते हैं कि दो जंगली कुत्ते आपस में लड़ रहे होते हैं और एक उसमें से बहुत बुरी तरह जख्मी हो जाता है। कीत वहाँ आकर एक कुत्ते को भगा देता है और जो कुत्ता बहुत बुरी तरह जख्मी हो गया था उसे पास पड़े हुए पत्थर से बहुत बुरी तरह मारकर मार देता है। फिर वो लोग टायर चेंज करके अपने सफर पर निकल पड़ते हैं और हम देखते हैं कि कार बस चली जा रही होती है और फिर उनके कार का फ्यूल ख़त्म हो जाता है और रात भी हो चुकी होती है, तो वो फ्यूल रिफिल करते हैं। कीत वर्जिल को पूछता है कि तुम कंपाउंड क्यों जाना चाहते हो, तो वो बताता है कि कहीं उसे अच्छी जगह पर काम करना है और फिर वो उसे एक पैम्पलेट दिखाता है और कीत पैम्पलेट देखकर हंसता है और कहता है जहाँ से तुम आए हो वहाँ सब आसान है पर यहाँ पर काम करना बहुत ही मुश्किल है और तुम यहाँ सर्वाइव नहीं कर पाओगे। लेकिन वर्जिल कहता है कि मैं सब कर लूँगा और फिर दूसरे दिन वो और आगे निकल जाते हैं। और अब हम देखते हैं कि वर्जिल कार ड्राइव कर रहा होता है और कीत आराम कर रहा होता है। और फिर वर्जिल गर्मी से परेशान होकर एसी ऑन कर देता है और कुछ दूर जाने के बाद इंजन पर लोड आने की वजह से कार बंद हो जाती है। तभी कीत उठ जाता है और समझ जाता है एसी ऑन होने की वजह से इंजन में कुछ प्रॉब्लम हो चुका है और वो वर्जिल पर बहुत बुरी तरह गुस्सा हो जाता है। वर्जिल उससे इस गलती की वजह से उससे माफ़ी भी मांगता है। फिर वर्जिल फ्रेश होने कुछ दूर जाता है, तभी उसकी नज़र पास पड़े हुए पत्थर पर जाती है, तो वो वहाँ आ जाता है और उसे कुछ गोल जैसा कुछ दिखाई देता है। फिर वो चिल्लाकर कीत को वहाँ बुला लेता है। कीत वहाँ आ जाता है और देखते ही कहता है अगर जलाते वक्त काला पड़ा तो ये गोल नहीं है। फिर वो अपने लाइटर से उस पत्थर को जलाने लगता है और वो काला नहीं पड़ता। ये देखकर वो दोनों हैरान हो जाते हैं कि उन लोगों को गोल्ड का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा मिल चुका होता है। फिर वो लोग वहाँ खुदाई करने लगते हैं और बहुत ही बड़ा गोल्ड का हिस्सा उन लोगों को मिल जाता है। वो इतना बड़ा होता है कि इन लोगों से नहीं निकलता। फिर वो लोग रस्सी बांधकर अपनी गाड़ी से खींचने की कोशिश करते हैं पर दो बार कोशिश करने के बाद भी रस्सी टूट जाती है, लेकिन वो सोना वहाँ से नहीं निकलता। फिर ये लोग और खोदने लगते हैं। तब तक रात हो जाती है और उनको पता होता है कि यहाँ जंगली कुत्ते बहुत हैं, तो उनको लकड़ियाँ जमा करनी होगी और उन्हें जलाकर रात गुजारनी होगी। फिर वो लोग गोल्ड मिलने की खुशी में पागल हो जाते हैं। फिर रात में वो लोग आग के बाजू में बैठकर सोचते हैं कि इतने बड़े गोल्ड का हिस्सा वो कैसे निकालेंगे। फिर कीत कहता है कि इनको इसे निकालने के लिए मशीन लानी होगी, लेकिन वो सिर्फ शहर में ही मिलेगी, पर जाने में 2 दिन आने में 2 दिन और अगर कार का इंजन गर्म हो जाए तो रुकना भी पड़ेगा, तो अंदाजन कम से कम 5 दिन लगेंगे यहाँ लौटने में। फिर कीत कहता है वर्जिल से कि उसके पास ऐसे बहुत लोग हैं जो उसके भरोसेमंद हैं, जो उनकी मदद करने वो तैयार भी हो जाएंगे, तो तुम जाकर उन लोगों को लेके आओ। लेकिन वर्जिल कहता है मैं यहाँ रुकूंगा, तुम शहर जाकर मशीन और आदमियों का बंदोबस्त करो। लेकिन कीत कहता है यहाँ रुकना इतना आसान नहीं है, यहाँ पर बहुत खतरा है और उससे बहुत संभल कर रहना होगा और यहाँ छोटी सी गलती भी बहुत भारी पड़ सकती है। फिर दूसरे दिन कीत वर्जिल को पानी, खाना और एक सैटेलाइट फ़ोन और उसकी बैटरी देता है और वहाँ चला जाता है। फिर वर्जिल उसके रहने के लिए टेंट बनाता है
और रात के लिए लकड़ियां जमा करता है। फिर रात हो जाती है और खाना खाने लगता है, तभी उसे बहुत सारे जंगली कुत्तों की आवाज़ आती है और वो बहुत घबरा जाता है। फिर दूसरे दिन हम देखते हैं वर्जिल टॉयलेट कर रहा होता है, तभी उसे कॉल आती है पर फ़ोन दूर होता है। इसके पहले कि वो फ़ोन उठा सके फ़ोन कट हो जाता है और वो बहुत निराश हो जाता है। फिर उसकी नज़र गोल पर पड़ती है और वो मन ही मन में खुश होता है और सोचता है कि ये सिर्फ थोड़े दिनों की बात है, बाद में सब ठीक हो जाएगा। और फिर वो लकड़ियाँ जमा करने लगता है, तभी उसे थोड़ी दूर पर एक क्रैश हुआ प्लेन दिखता है, लेकिन वो गोल्ड की जगह से बहुत दूर होता है। तो वो प्लेन का कुछ सामान अपने टेंट की जगह पर ले आता है और बड़ा टेंट बना लेता है और फिर वहाँ सो जाता है। फिर हम देखते हैं कि वर्जिल गोल्ड के पास बैठा हुआ है और वो गोल्ड के कुछ हिस्से को पत्थर की मदद से तोड़ने की कोशिश करता है और वो इसमें कामयाब भी हो जाता है और सोने का एक छोटा हिस्सा निकाल लेता है। तभी केट का कॉल आता है और वो बताता है कि गाड़ी में कुछ खराबी हो गई है, उसकी वजह से उसको मशीन लाने में थोड़ा टाइम लगेगा। तभी वर्जिल कहता है कि उसने सोने का एक टुकड़ा निकाल लिया है और वो उसे सोने की जगह पर निगरानी करने का कहता है। फिर रात हो जाती है और जंगली कुत्ते वहाँ आ जाते हैं और वर्जिल आग की मदद से उन लोगों को भगा देता है। फिर सुबह हो जाती है और उसके पास पानी भी ख़त्म हो रहा होता है और वहाँ एक सांप भी आ जाता है, वो मारने लगता है और वो वहाँ से भाग जाता है। पर सांप को मारते वक्त उसका पैर पानी की बोतल पर लग जाता है और बहुत सारा पानी गिर जाता है। फिर हम देखते हैं कि वो प्लेन का कुछ हिस्सा जमा कर रहा होता है, तभी वहाँ कोई आ जाता है और वो प्लेन में छुपने की कोशिश करता है पर वो उसे देख लेती है और प्लेन से बाहर निकलने के लिए कहती है। फिर वो उसके बारे में पूछती है और उसे पानी पीने का कहती है पर वो नहीं पीता। तभी उस लड़की को वर्जिल की हरकत को देखकर उस पर शक हो जाता है और वो उसके बनाए हुए टेंट पर जाने लगती है पर वो उसे रोकने की कोशिश करता है। तभी उसे और शक हो जाता है और वो उससे और भी पूछताछ करती है। तभी वो बहुत गुस्सा हो जाता है, लड़की कहती है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो, बहुत कुछ कहती है और वर्जिल अपना आपा खो देता है और उस पर हमला कर देता है और वो लड़की मर जाती है। फिर वो खड्डा खोद कर उसे दफना देता है और जो भी काम की चीज़ होती है वो रख लेता है। फिर जंगली कुत्ते उस लड़की को खोद कर बाहर निकाल लेते हैं और खाने लगते हैं। तो वर्जिल उन कुत्तों को भगाता है और उस लाश को कहीं और ले जाता है, फिर लकड़ियाँ जमा करके उस लाश को आग लगा देता है और वो अपनी इस हरकत से बहुत दुखी हो जाता है। फिर अगले दिन कीत का कॉल आता है और वो कहता है कि मशीन लेके आने में थोड़ा टाइम और लगेगा क्योंकि उसकी गाड़ी ख़राब हो गई थी। वर्जिल ये सब सुनकर टूट जाता है और रोने लगता है। कीत कहता है कि उसे वो जल्दी लौटेगा। तभी वो एक ट्रक गुजरता हुआ देखता है और वो उसे नहीं रोकता, सोने की लालच उसके वहाँ से जाने नहीं देती। फिर हम देखते हैं कि वहाँ डेजर्ट स्टॉर्म आ जाता है और वो भाग कर टेंट में आ जाता है, लेकिन उसके टेंट का सामान और पानी की बोतल सब हवा में उड़ जाती है और पेड़ की एक टहनी उड़कर उसके पेट में घुस जाती है। फिर हम देखते हैं तूफान रुक जाता है और वो रेत के ढेर में दबा हुआ होता है। फिर वो उठकर पहले अपने जख्म देखने के बजाय पहले वो सोने का पत्थर ढूंढने लगता है और वो उसे मिल भी जाता है। फिर वर्जिल अपने पेट से टहनी को निकालता है और कैन के ढक्कन को गर्म कर अपने जख्म पर लगा देता है ताकि सारा बैक्टीरिया मर जाए। फिर वो अपने पूरे चेहरे पर रेत मल देता है और वहीं बेहोश हो जाता है। फिर वो होश में आता है तो वहाँ वही औरत की जैसी औरत को देखता है जिसको उसने मारा था और वो उसे पानी पिलाती है और वहाँ से चली जाती है। फिर वर्जिल होश में आ जाता है और उसे केत की कॉल आती है और वो बोलता है कि वो उसके बहुत ही करीब है। फिर हम देखते हैं वही औरत वर्जिल के सामने होती है जिसने उसे पानी पिलाया था। वो उसकी मदद करने की कोशिश करती है पर वो मदद नहीं लेता। फिर वो पूछती है कि उसने कहीं किसी औरत को देखा है, वो उसकी बहन होती है। वो उसे कुछ नहीं बताता और वहाँ से चली जाती है। फिर वर्जिल को बहुत सारे जंगली कुत्ते घेर लेते हैं और वो कीत को कॉल करके जल्दी आने के लिए बोलता है और डर कर रोने लगता है। लेकिन नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कीत उसके नज़दीक ही था पर वो उसे बचाने की कोशिश बिल्कुल नहीं करता और फिर कुत्ते वर्जिल को खाने लगते हैं। लेकिन सोने का नशा इस कदर उस पर हावी हो जाता है कि मरते वक्त भी वो सोने की जगह पर देख रहा होता है और कीत ये सब दूर से देख रहा था। और वर्जिल के मर जाने के बाद कीत अपने ट्रक को लेकर वहाँ आ जाता है और कार से कुछ निकालने लगता है और जैसे ही पलटता है उसके सीने में एक तीर आके लग जाती है और ये वही मर जाता है।
तीर मारने वाली वही औरत होती है जिसने वर्जिल को पानी पिलाया था, और दूर से उसने इन लोगों पर नजर रखी हुई थी, और उसे सोने के बारे में भी सब पता चल चुका होता है, और यहीं पर इस फिल्म की दी एंड हो जाता है।